देखिए भाई, जब केजीएफ 2 रिलीज हुआ था तब इसने बॉक्स ऑफिस पर पहला दिन कलेक्शन 150 करोड़ किया था और वही ट्रिपल आर के ओपनिंग डे कलेक्शन 250 करोड़ हुई थी। उस टाइम नहीं लग रहा था कि केजीएफ 2 1000 करोड़ तक पहुंच पाएगा, लेकिन जब रॉकी भाई ने अपना स्पीड पकड़ ली ना, उसके बाद अभी तक रुके ही नहीं। KGF ये नाम बॉलीवुड के लिए किसी बुरा सपना से कम नहीं है। देखिए, KGF 2 के प्रमोशन के दौरान एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा था यश भाई से कि आप ट्रिपल आर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो अपने रॉकी भाई ने कहा था हम रिकॉर्ड तोड़ने में नहीं, नए रिकॉर्ड बनाने में विश्वास रखते हैं। और ऐसे ही कर दिखाया KGF 2 ने, जहां देखो सिर्फ KGF 2 का ही चर्चा है। इस मूवी ने केवल साउथ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में परचम ला रहा है, क्योंकि KGF चैप्टर 2 ने पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 1088 करोड़ का आंकड़ा छू लिया और इसी के साथ ये देश की 4th फिल्म बन जाती है जिसने 1000 करोड़ की कमाई की है। देखिए, पहले नंबर पर आता है दंगल जिसने 2000 करोड़ की कमाई की है, और उसके बाद आता है मिस्टर राजामौली की बाहुबली 2 जिसने 1800 करोड़ की कमाई की है, और फिर से आता है राजामौली की ट्रिपल आर जिसने 1146 करोड़ की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है, और अभी KGF द मॉन्स्टर जिसने 1088 करोड़ पार कर लिया और अभी भी उतने स्पीड से आगे चल रहा है। और बताया जा रहा है कि लगभग 2-3 दिन में आरआर को पछाड़ देगी और वही KGF 2 का सबसे ज्यादा कमाई हिंदी बेल्ट से हुई है। जी हाँ, हिंदी में इसे काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है और इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी बेल्ट में 400 करोड़ तक की कमाई कर डाली है। और वहीं क्रिटिक्स के रिपोर्ट के मुताबिक जल्दी KGF चैप्टर 2 दंगल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी, और अपने रॉकी भाई की इसी हिंदी बेल्ट में डोमिनेंस के कारण बॉलीवुड के कितने फिल्मों के नामों निशान मिट गया, जैसे कि शाहिद कपूर की जर्सी, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की रनवे 34 और टाइगर श्रॉफ की हीरोपनती 2। इसने तो खुद की लंका खुद ही जला ली थी। और वहीं ये फिल्म बॉलीवुड को एक सबक सिखा गई, फिल्में सिर्फ बड़े स्टार बड़े बैनर से नहीं हिट बनती है, बल्कि फिल्म हिट होती है कंटेंट के कारण, जो कि इस वक्त बॉलीवुड के फिल्मों से गायब है। और जबकि साउथ की हर एक फिल्म कंटेंट बेस्ड होती है, और वही बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में स्टार्टिंग से कंटेंट की कमी थी, क्योंकि बॉलीवुड वाले सिर्फ साउथ के फिल्मों को रिमेक करके आज इतने बड़े स्टार बने। लेकिन जब से साउथ वाले ने अपनी फिल्म हिंदी में डब करने स्टार्ट कर दिया ना, तब से बॉलीवुड वाले हो गए परेशान, क्योंकि भाई बॉलीवुड वाले सिर्फ आज तक कॉपी पेस्ट करना ही जानते थे और अब उन्हें ओरिजिनल कंटेंट बनाने में काफी दिक्कत आ रही है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड की रिमेक फैक्ट्री जो बंद हो रहा है, क्योंकि अब ज्यादातर डायरेक्टर का धंधा बंद हो गया, या फिर जाने दो अच्छा हुआ और बॉलीवुड वाले भी अब ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे, अब इन्हें ट्रोल नहीं होना पड़ेगा। कमेंट में अपनी राय जरूर देना और ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।